बम्बोरियत बजात खुद एक छोटा सा गांव है और इस गांव को आप एक दिन में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां पर देखने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। और आपने अगर यहां पर आना है तो सिर्फ फेस्टिवल के वक्त आइए, जिसको चिलमजोश फेस्टिवल कहा जाता है और मेरे ख्याल से ये 13 मई से स्टार्ट होता है, लेकिन तारीख फिर भी गूगल बाबा से कंफर्म कीजिए, क्योंकि गूगल ऐसे बाबा है जो सब कुछ जानता है। फेस्टिवल के बगैर अगर आप आएंगे तो फिर मुझे या आपने आपको गालियां मत दीजिए, क्योंकि फेस्टिवल के बगैर आपको देखने के लिए कुछ खास नहीं मिलेगा। और एक बात और ऐड करता चलूं कि कैलाशी सकाफत 90% ख़त्म हो चुका है और बाकी 10% भी शायद 15-20 साल में ख़त्म हो, और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। जिंदगी में कामयाबी का पैमाना हर किसी का अलग अलग होता है। कोई बहुत सारा पैसा जमा करने को कामयाबी समझता है, कोई ताकत हासिल करने को कामयाबी समझता है, लेकिन मेरा पैमाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि अगर एक इंसान के पास खाने को रोटी है और वो रात को भूखा नहीं सोता और इसके साथ साथ वो खुश भी है, तो मेरे ख्याल से ये इंसान कामयाब है। इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खुश है और ये बिलावजह खुश है। अगर एक इंसान जिंदगी में बहुत खुश है तो इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह बेवकूफ़ होना भी है। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन जाने मन हकीकत यही है। इंसान जितना शऊर के मंजिलें तय करता है वो उतना ही खुशी से दूर चला जाता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये बच्चे हैं। बच्चों की अक्सरियत हर हाल में खुश होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं खुशी दूर कहीं चली जाती है। खैर, इस पर मैं बड़ी बहस कर सकता हूं, लेकिन ये बहस की जगह नहीं है। कुछ जगह यहां पर ऐसे हैं जो टूरिस्ट बहुत शौक से देखते हैं, और उनमें से एक है यहां का म्यूजियम। ग्राउंड फ्लोर में म्यूजियम है और ऊपर का हिस्सा बच्चों का स्कूल है, और ये म्यूजियम 2001 में स्टार्ट हुआ और 2005 में कंप्लीट हुआ, और इतनी आलीशान इमारत इतनी जल्दी कंप्लीट हुई तो इससे लगता है कि ये किसी एनजीओ ने बनाया है, क्योंकि इस इमारत को अगर गवर्नमेंट बनाती तो इसके फंड्स ख़त्म होते और इमारत किसी कंडर की तरह बगैर छत के आधे अधूरी खड़ी होती। खैर, म्यूजियम के अंदर गया तो चंद पुराने बर्तन और चंद पुराने बंदूकों के सिवा कुछ नज़र नहीं आया, और सच कहूँ तो मुझे इंसान के बनाए हुए चीज़ों को देखने में मज़ा भी नहीं आता। मुझे अगर मज़ा आता है तो कुदरती चीज़ों में, जिसको मेरे रब ने बनाया हो। इसकी कलर देखो, इसकी सजावट देखो, इसको देखते हुए आंखों को ठंडक मिलती है और बेख्तियार मुंह से निकलता है, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे।
म्यूजियम से निकलने के बाद आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको लकड़ी की बने हुए मुजस्मे मिलेंगे और फिर बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में मुबतला होते हैं कि ये कैलाशी लोगों का बुत है और ये लोग इसकी इबादत करते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कैलाशी लोग बुतों की इबादत नहीं करते। ये मुजस्मे पुराने कैलाशी लोग अपने प्यारों की याद में बनाते थे, जैसे कि हम डिजिटल तस्वीरें बनाते हैं देते हैं। लेकिन ऐसे अपनों से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ जो टूरिस्ट बहुत शौक से देखते हैं वो है यहाँ के मकबरे। यहाँ के मकबरे में लाश खुले ताबूत में पड़ी होती है। मेरी तबीयत नाजुक है, इसलिए वो चीज़ें ना तो मैं खुद देख सकता हूँ और ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर मैं इस गांव के आखिरी सिरे में गया जो चंद किलोमीटर दूर है यहाँ से, और इस गांव का आखिरी हिस्सा अफगानिस्तान से मिलता है। पूरा दिन आवारा गर्दी करने के बाद रात हो गई। जनाब, ये थी कैलाश वैली की दास्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।